अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। अच्छा भाई, आज का जो व्लॉग है, आज के व्लॉग का सीन ये है कि जैसे कि आपको शायद पता है या नहीं पता, मैंने इंस्टाग्राम पे जो फॉलो करते हैं उनको पता होगा लाजमी कि मैंने जॉब अपनी स्विच की है। ठीक है, अब इस जॉब में जो है हमने ट्रेनिंग्स करानी है और आइस क्रीनिंग करनी है गाँव में जाके। ट्रेनिंग्स तो हमारी यहीं होंगी DHQ THQ में। तो आज मेरी पहली ट्रेनिंग है और जो है हम जाएंगे सिद्धार्थपुर, एक सिटी है यहाँ पे आ गए, THQ में हमारी ट्रेनिंग है। मैं वहाँ पे जाऊँगी, ट्रेनिंग दूँगी और जो है आपको साथ लेकर चलूँगी। आप देखिएगा कि कैसे ट्रेनिंग होती है, क्या होता है, और जो है बस होप फॉर द बेस्ट। और आप चलेंगे साथ हमारे, देखेंगे, और आगे की वीडियो सारी आप वॉइस ओवर पर सुनेंगे। ठीक है, बाहर गाड़ी आ चुकी हुई है, मैं निकलती हूँ, बाकी की आप आगे ब्लॉग देखें। अच्छा, फिर हम अपने ऑफिस आए और ऑफिस आने के बाद हमने जो चीज़ें थी जो वहाँ पे ज़रूरत आनी थी हमारी, वो हमने उठाई। सबसे पहले हमने बैनर लिया लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र्स का, क्योंकि हमने ट्रेनिंग करवानी थी लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र्स की। तो ये रहा उनका बैनर, वो हमने अलग किया और बाकी वाले तय करके साइड पर रख दिए। और फिर हमने जो है किट्स वगैरह निकाली। फ़िलहाल हमारे पास जो थी लिस्ट वो 11 सुपरवाइज़र्स की थी और हमने 11 किट्स निकाली, उनमें सामान वगैरह देखा कि सारा है या नहीं, और फिर किट्स हमने 11 अलग की और फिर हमने जो है रवानगी पकड़ी। ये जो किट्स हैं इनके अंदर ये सामान था और ये सारा हमने उनको देना था और समझाना भी था सारा कि आप नज़र चेक कैसे करनी है। और ये कुछ हमारा मज़ीद सामान नीचे पड़ा हुआ था क्योंकि फ़िलहाल हमारे पास कबर्ड नहीं था, तो इंशाल्लाह कबर्ड भी एक दो दिन में आ जाना है, तो फिर कबर्ड में हम ये सामान सारा शिफ्ट कर देंगे। फिर हम अपनी कार में बैठे और अपने डेस्टिनेशन की तरफ रवाना हो गए। और मज़े की बात, ट्रैवलिंग के दौरान ही मैंने जो है अपने नोट्स बनाए कि मैंने कौन कौन से पॉइंट्स जो है कहने हैं, कहाँ से टॉपिक स्टार्ट करना है और क्या क्या मेजर पॉइंट्स मैंने बताने हैं। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने कुछ मेजर पॉइंट्स लिख लिए थे। फिर हम आके फाटक पर रुक गए। फिर हम, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे और मज़ीद देर हमारी यहाँ लग रही थी और ये कोई 15-20 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया था हमें खड़े हुए यहाँ पर, फाटक इन्होंने बंद किया हुआ था। फिर अल्लाह अल्लाह करके ट्रेन गुजरी और फिर हमने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया। फिर मज़े की बात, कोई ट्रेन भी इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी कि मतलब गुजर के ख़त्म ही नहीं थी हो रही। तो बस फिर इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ से भी हमें कंटिन्यूसली कॉल्स आ रही थी कि जल्दी आ जाएं, जल्दी आ जाएं। और रमज़ान भी था और बहुत ज़्यादा इस चीज़ का भी मसला हो रहा था कि ज़ाहिर है कि रोज़े में लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र्स आई हुई हैं और हमारी वजह से उनको इंतज़ार करना पड़ रहा है। फिर फाटक खुला और हम लोग जब गुजरना शुरू हुए तो इतनी ट्रैफिक यहाँ पे जाम हो गई, इतनी ट्रैफिक जाम हो गई, तो हमें यहाँ पे भी कोई 15 मिनट तो लग गए होंगे। फाइनली हम पहुँच चुके थे और फटाफट से हमने जो है प्रिपरेशन स्टार्ट की, ट्रेनिंग की और साथ ही शुरू करा दी हमने। ये हमारे कोऑर्डिनेटर थे जो कि इंट्रोडक्शन दे रहे थे इस ट्रेनिंग का और हमारी जो है जॉब डिस्क्रिप्शन का। फिर हमने स्टार्ट में इनसे प्री ट्रेनिंग टेस्ट लिया ताकि हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि इनको कितनी इन्फॉर्मेशन है आइस के हवाले से, कौन सी चीज़ें इनको पता हैं और कौन सी नहीं पता। फिर उस वाले से हमने इनको ट्रेनिंग देनी थी क्योंकि कुछ हमारे पास स्पेसिफिक डिज़ीज़ थी जो कि इन लोगों को पढ़ानी थी हमने, ताकि इनको कम से कम इतना आइडिया हो सके कि उस डिज़ीज़ को डायग्नोज कैसे कर सकें और फिर किस तरह से इन्होंने रेफ़र करना है। जब हम इनसे प्री टेस्ट ले रहे थे तभी हमें इतना अंदाज़ा तो हो रहा था कि इनको कुछ इतनी ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है आइस के हवाले से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हर हवाले से कन्फ्यूज़ हो रही थी, हमसे सवाल पूछ रही थी, आपस में डिस्कशन कर रही थी। तो फिर इसलिए जो है हमने ज़्यादा कुछ नहीं कहा कि भाई ज़ाहिर है आइस रिलेटेड तो इनकी फील्ड है नहीं, तो इनको मसला तो होगा। फिर इनको मैंने आइस के हवाले से ट्रेनिंग देना स्टार्ट की और सबसे पहले तो हमने बेसिक आँख को पढ़ा कि आँख बेसिकली होती कैसी है, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, और वो उनको समझाया और बताया और कुछ तस्वीरों के साथ।
हम असल में साथ प्रोजेक्टर भी लाए थे, लेकिन प्रोजेक्टर की लीड का कोई इश्यू हो गया था तो वो हम लगा नहीं सके, तो हमने लैपटॉप पे जो है फ़ोटोज़ वगैरह दिखाई आइस की, ताकि इनको साथ साथ आइडिया होता रहे। फिर मैं डिजीज़ के ऊपर आई कि कौन कौन सी स्पेसिफिक डिजीज़ जो हैं आपने यहाँ डायग्नोज करनी है, और आप उसको कैसे पहचान सकते हैं, और आपको क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे। फिर वो कुछ बेसिक चीज़ें मैंने इनको पढ़ाई तस्वीरों के साथ साथ कि ये डिज़ीज़ आपको आँख के इस हिस्से में मिलेगी और ये डिज़ीज़ आपको आँख के इस हिस्से में मिलेगी। मेरी कोशिश ये थी कि मैं इनको बिल्कुल आसान वर्डिंग्स में, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, ताकि किसी भी बात की इनको कन्फ्यूजन ना रहे। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं कोई मेडिकल टर्म ना यूज़ करूँ जो इनको समझ ना लगे। तो कुछ डिजीज़ पढ़ाने के बाद अब हम पहुंच चुके थे कि नज़र कैसे चेक करते हैं। तो वो फिर मैं इनको इंट्रोडक्शन दे रही थी कि आप लोगों ने विज़न चेक कैसे करनी है। एक आंख पे हाथ रख के पहले एक आंख चेक करनी है, फिर उस पे हाथ रख के दूसरी आंख चेक करनी है। इस तरह से मैं इनको पहले स्पेसिफिक वर्बली समझा रही थी, फिर मैंने इनको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया। अच्छी बात ये थी कि ये बहुत इंटरेस्ट ले रही थी हर बात में। जो भी मैं इनको टॉपिक पढ़ा रही थी उस चीज़ में इंटरेस्ट ले रही थी। अब जब मैंने विजुअल एक्यूटी पढ़ाना शुरू किया तो उसमें भी इन लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लिया, और वो मैं फिर इनको थोड़ा डीपली समझा रही थी कि पेशेंट जो है अगर आपके पास आता है जिस भी कंडीशन में, तो आपने उसको विजन किस तरह से लेनी है। इनकी जो किट्स थी उसमें राइटिंग पैड भी मौजूद थे, और ये हर इन्फॉर्मेशन साथ साथ उस राइटिंग पैड में नोट कर रही थी। आप देख सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट के साथ ये लोग सुन रही थी, और कोई भी बात अगर इनको नहीं समझ आती थी तो ये उसका क्वेश्चन करती थी दोबारा से। जो किट्स हम इनके लिए लेके आए थे, तो इनको कहा कि अब आप अपना अपने अपने बैग्स खोलें और उनमें देखेंगे क्या क्या सामान पड़ा हुआ है। तो ये फिर फटाफट से जो है अपने बैग्स वगैरह देख रही थी। फिर इनको मैंने साथ ही एक एक चीज़ लेके समझाना शुरू किया, और सबसे पहले ये हमारे पास निनल चार्ट आ जाता है जिसके ज़रिए हम मरीज़ की नज़र चेक करते हैं, और बेसिकली जो है वो चार्ट होता है दूसरा, लेकिन इनके लिए जो है ये एक थोड़ा सा चार्ट का जो है समझ लें कि रूल चेंज किया गया था कि ये इजीली पेशेंट की विजन चेक कर सकें। बेसिकली जो स्नेनल चार्ट होता है वो 6 मीटर पे टेस्ट किया जाता है, लेकिन इनके लिए जो है ये कार्ड 3 मीटर का बनाया गया था ताकि इनको किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। बैग में सिग्नल चार्ट के साथ एक टेप दी गई थी और एक ये रस्सी दी गई थी। फिर यहाँ पे मैं इनको सिग्नल चार्ट, रस्सी और टेप का यूज समझा रही थी कि आपने किस तरह से इन तीनों का इस्तेमाल करके पेशेंट की नज़र चेक करनी है। फिर मैंने इनको समझाना शुरू किया कि किस तरह से आपने टेप का यूज़ करते हुए इस चार्ट को दीवार पे पेस्ट करना है, और इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ये चार्ट पेशेंट की हेड पोजीशन से ना तो ऊपर हो ना तो नीचे हो, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर पेशेंट की एक्चुअल विजन हमें नहीं मिलेगी। फिर जब हमने चार्ट को स्टिक कर दिया किसी भी दीवार पे, फिर हमने रस्सी का यूज़ किस तरह से करना है। फिर रस्सी को हमने पेस्ट करना है बिल्कुल सिग्नल चार्ट के नीचे, और इसका जो है दूसरा सिरा पेशेंट के हाथ में दे देना है, और वो स्ट्रेट पीछे जाता रहेगा, जहाँ पे जो है रस्सी का सिरा ख़त्म होगा वो वहाँ रुक जाएगा। 3 मीटर की रस्सी है मतलब 3 मीटर के डिस्टेंस पे जाके पेशेंट रुक जाएगा, और फिर 3 मीटर से जो है इसने ये लेटर्स पढ़ने हैं। जितने लेटर्स पढ़ेगा उतनी विजन उसकी होगी, और जितनी विजन होगी वो नोट डाउन करके इन्होंने आगे रेफर कर देना है।
फिर मैंने इनको बताना शुरू किया कि किस तरह से आपने ये चार्ट पेशेंट से पढ़वाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ई लिखा हुआ है, तो कुछ इलिटरेट पीपल होते हैं तो उनको आपने ये किस तरह से पूछना है, ये मैं इनको कुछ गाइडलाइन दे रही थी। फिर हमने इनका पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट लेना शुरू किया ताकि अंदाज़ा हो सके कि शुरू में इनकी कितनी नॉलेज थी और अब ट्रेनिंग लेने के बाद इनकी नॉलेज में कितना इजाफा हुआ है। ये है कि आफ्टर ट्रेनिंग जो हमने इनका टेस्ट लिया, इसमें जो है ये बड़े इंटरेस्ट के साथ टेस्ट दे रही थी, इनको काफ़ी चीज़ें जो है आ रही थी। क्योंकि जब शुरू में हमने लिया तो ये बहुत सोच रही थी, आपस में डिस्कस कर रही थी, इनको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं थी आ रही। और जब हमने ट्रेनिंग के बाद टेस्ट लिया तो बहुत सारी जो ऐसी थी कि जिन्होंने बहुत जल्दी फटाफट से जो है टेस्ट कर लिया था और काफ़ी चीज़ें समझ में इनको आ रही थी। यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग हुई एंड, और आपको तो पता है कि इन द एंड फ़ोटो सेशन तो बहुत ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे भी हमने फ़ोटो सेशन किया एंड में, और फिर यहाँ पे भी हमने एंड में जो है फ़ोटोज़ लीं शहदादपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शहदादपुर के बिल्कुल सामने, ताकि हम अपना रिकॉर्ड आगे भी भेज सकें। फिर हमने भी वापसी निकलने की तैयारी की और बस गाड़ी में हम लोग बैठे, सामान वगैरह जो था वो रखा और बस वापसी की तरफ निकले हम भी। और ये मेन गेट था शहदादपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का। और ये रही हमारी टीम, कोऑर्डिनेटर और पीछे डेटा ऑपरेटर और टेक्नीशियन। फिर फाइनली शुक्र है मैं थोड़ी देर में घर पहुंच चुकी थी। सो गाइज, ये था हमारा आज का दिन। आपने देखा कि कैसे आज का दिन हमारा गुज़रा, काफ़ी हेक्टिक था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र गया अच्छे से, सब कुछ अच्छे से हो गया। टाइम यह कि एक मसला था कि हम थोड़ा लेट हो गए थे, लेट बस इसलिए हुए कि सुबह एक दो काम और आ गए थे, उनको किया, फिर उनको करने के बाद हम लोग वहाँ के लिए निकले। फिर घंटे का सफ़र आगे हमारा वहाँ का था, फिर वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ जो ज़्यादा सेटिंग वगैरह चीज़ें ये वो करना, तो उस चीज़ में बड़ा टाइम लग गया करते रहते। फिर स्टार्ट हुई, फिर यह कि स्टार्ट हो गई फिर तो हो ही जानी थी, फिर यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हो गई अच्छी तरह से, सब काम जो करने कराने वाले थे सब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद हम लोग निकले वापसी के लिए, और तकरीबन फिर घंटा लगा हमारा और वापसी पहुँचे हैं इस वक्त तकरीबन कोई 4:30-5 हमें हो गए थे वापसी पहुँचते पहुँचते। ठीक है, तो आई होप कि आपने ये आज का दिन मेरा एंजॉय किया होगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह, आप वीडियोस देखते रहेंगे। इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।